शहर शहर आसमानी आफत, बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी, सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ इसी सड़क की हालत नहीं थी, बल्कि शहर में हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने जैसे जैसे पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में ही जवाब दे गई, तो लोग गाड़ियों में धक्का लगाते भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं जूनागढ़ में भी आसमानी आफत खूब बरसी और कुछ ही घंटों में शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो कई जगह से पुलिया बह जाने की भी खबर सामने आई। बारडोली के पास स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, तो कई स्कूल और मकान भी पानी में डूबे नजर आए और इन सब का असर आम जीवन पर देखने को मिला। और अब बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। तो वहीं बारिश की वजह से दिल्ली के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे जलजमाव की स्थिति है। सुबह से ही बारिश हो जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई, मौसम तो सुहाना हुआ, लोगों को गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन साथ ही साथ परेशानी भी बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली में मानसून की बारिश हो रही है, बेहद हल्की ये बारिश भले ही है, लेकिन आधे घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल है वो आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वसंत कुंज में, और वसंत कुंज की इस मुख्य सड़क को आप देखिए, ये D3 डिपो की वसंत कुंज की सड़क है जहाँ पर आप देख रहे हैं एक मुख्य सड़क, जो यहाँ ट्रैफिक से भी आप अंदाजा लगा रहे हैं, वो तो आज छुट्टी का दिन है इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम है, वरना ये सड़क यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ किस तरीके से पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल इस सड़क पे जैसे आप देखते हैं तो आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है, जल भराव की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। और यहीं से सटी हुई दूसरी सड़क को जरा देखिए, जो आनंद धाम जाने के लिए रास्ता है, ये पूरी सड़क आप देखेंगे कि अब ये सड़क पानी में है, पानी सड़क में है, ये पूरी स्थिति यहाँ से साफ नहीं हो रही है, ये पूरा पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। हमेशा मानसून से पहले अथॉरिटीज के दावे होते हैं, MCD के दावे होते हैं, PWD के तमाम वो अथॉरिटीज जिनको जिनकी जिम्मेदारी है सड़कों की निकासी की साफ सफाई को रखना, दावे कई तरीके के होते हैं, लेकिन बारिश के बाद अभी आधे घंटे की भी बारिश नहीं हुई है, उसमें ही दिल्ली में कई जगह इसी तरह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली NCR में जोरदार बारिश की वजह से कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी ही पानी है, और इसी बारिश की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली NCR में भले ही सुबह से बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे लोग जो इस वक्त ऑफिस के लिए निकलते हैं उन्हें इस वक्त ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली में बारिश हुई है लेकिन बारिश के तुरंत बाद की स्थिति कैसी है,
हर इलाके में आपको जल जमाव नजर आएगा। नोएडा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर बारिश के बाद के हालात खराब हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र में भी मॉनसून की बरसात जारी है। मुंबई और ठाणे के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। ठाणे में इतनी बारिश हुई कि सड़कें दरिया बन गई और कई ऐसे जगह है जहां पेड़ गिरने की वजह से तस्वीर सामने आई है, उसकी तस्वीर सामने आई। और तो वहीं पालघर में भी लगातार चार दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है, कई इमारतें पानी में डूबी नजर आई है। तस्वीर देखिए जरा, भारी बारिश से शहर हुआ पानी पानी, सड़क पर आया सैलाब, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, पानी में डूबे सड़क और मकान। भारी बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई ठाणे से। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर जलजमाव हो गया, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। बस, मोटरसाइकिल, कार, सभी गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आई और हर तरफ पानी ही पानी जमा दिखा। आसमानी आफत की वजह से पूरे शहर में जल कर्फ्यू लग गया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई दुकानों में पानी घुस गया और कई मकान भी पानी में डूबे नजर आए। तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। वहां रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बहता नजर आया और पानी से भरे ट्रैक पर ट्रेनें चलती हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से एक पेड़ भी उखड़ गया और उसके नीचे एक ऑटो और एक कार दबी नजर आई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और पेड़ को काटकर वहां से हटाया गया। मौसम विभाग की माने तो मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में मानसून भी कई दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में भी और बारिश होने का अनुमान है। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां मूसलाधार बारिश लोगों के लिए राहत की जगह मुसीबत का सबब बन गई। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूब चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो वहां सड़कें है ही नहीं। तेज बारिश की वजह से लोगों की दुकानों और घरों में पानी भर गया तो कहीं तेज हवा और बारिश से पेड़ ही उखड़ गए। भारी बारिश की वजह से दमोह में नदी और नालों में उफान है, जिन्हें पार करना जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो दमोह से सामने आया, जहां एक मोटरसाइकिल वाला उफनता नाला पार करने के चक्कर में सैलाब के बीचों बीच फंस गया। पानी का बहाव दरअसल इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मदद के लिए सैलाब के बीच जा सके। मोटरसाइकिल सवार लगातार सैलाब के बीच से निकलने की कोशिश करता रहा, आखिरकार वो सैलाब के बीच से निकल गया। लेकिन अगर कोशिश कामयाब नहीं होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन लोगों से उफनते नदी और नालों से दूरी बनाए रखने की अपील पहले ही कर चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोटरसाइकिल सवार कैसे पानी में फंस गया और बाद में वो खुद ही इससे निकलता दिखा। आधे हिंदुस्तान में मानसून की दस्तक के साथ ही कोहराम मचा हुआ है। मानसून आते ही कई राज्यों से तबाही की तस्वीरें आने लगी हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। भिवंडी में भारी बारिश के बाद सब्जी मंडी पूरी तरह से डूब चुकी है, दुकानों में पानी भरा है, तो वहीं ठाणे में बारिश और आंधी की वजह से कई पेड़ गिर गए। उधर गुजरात के वलसाड और सूरत में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। सड़क पर जल जमाव की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ी है। तो असम की बात करें तो असम के बरपेटा जिले में 20 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों और स्कूल तक में पानी भर चुका है, जबकि बाढ़ की वजह से कई लोग अपना घर तक छोड़ने को मजबूर हो गए हैं।